इस स्टेज पर कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट्स में जो काफी जनों के लिए जानने जरूरी है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ब्रीफ में। सर, आई एम परमानेंट लेक्चरर एंड नेट क्वालिफाइड टू, शुड आई अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट बिकॉज इट इज टेम्परेरी पोस्ट ना? अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये टेम्परेरी पोस्ट है। इसकी नेचर जानने के लिए मैं बता दूं कि मैंने पहले एक वीडियो सिर्फ इस पर, ये देख सकते हो 8 नंबर वीडियो है, काइंडली ये देख लीजिए और इसको परमानेंट समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझना है आपको। 8 नंबर वीडियो, जॉब्स आर परमानेंट और टेम्परेरी, इसको आप देखना होगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर, असी मोड ऑफ एग्जामिनेशन च ऑफलाइन लिख दिता है रेगुलर दी जगह, बाकी सारा फॉर्म ठीक है, उसका कोई चक्कर तो नहीं है। देखिए, आपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मीनिंग है वहां पर, अगर कई एलिजिबिलिटी के लिए आपको जैसे एमफिल वगैरह है वो रेगुलर मोड में चाहिए, और 2009 11 जुलाई से पहले की रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसी कंडीशन वहां चेक होंगी, दैट इज वाई आपको ऑफलाइन ऑनलाइन लिखने का वहां मीनिंग नहीं बनता। आपको रेगुलर है, डिस्टेंस है, प्राइवेट है, ये मोड्स होते हैं, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा कि आपका रेगुलर मोड है। नेक्स्ट है जी सर, हाँ इन्होंने पूछा है गुरप्रीत सिंह जी ने कि मेरा नेट नहीं हो, मेरे सब्जेक्ट का नेट नहीं होता, तो मैं, मुझे क्या नेट के लिए जरूरी है, मतलब मेरे सब्जेक्ट का नेट नहीं होता। मैंने इनसे पूछा था नेट कौन सा है आपका, सब्जेक्ट कौन सा है आपका। एक बात नोट कर लीजिए कि यूजीसी रेगुलेशन में, ये रही यूजीसी रेगुलेशन, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, सेकेंड पॉइंट, ओके, 3.3 यूजीसी रेगुलेशन 2018, एक क्लियरिंग ऑफ नेट सेलेक्ट एंड सेट, पेन उठाई लू, शैल नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स इन सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेलेक्ट सेट हैज नॉट बिन कंडक्टेड। तो इन्होंने पंजाबी सब्जेक्ट लिख के भेजा है, पंजाबी के लिए नेट यूजीसी एनटीए जो है कंडक्ट करती है, इसलिए आपको नेट चाहिए। वो आपकी, आपका वो सब्जेक्ट अगर है जो यूजीसी जिसका नेट कंडक्ट नहीं करती, तो आप बिना नेट के फिल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में जो पोस्ट निकली हैं उनमें सभी सब्जेक्ट्स की, मैंने अच्छी तरह से नहीं देखा, एक बार देख के बता भी दूंगा कि, तो आप पंजाबी के लिए आपको चाहिए, उसका नेट कंडक्ट होता है। ठीक, वापस चलेंगे। नेक्स्ट है, इन अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन, ओके ये जवाब मिल गया है आपका। सर, आई हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2010 बट पास्ट मैट्रिकुलेशन पंजाबी एज एडिशनल सब्जेक्ट इन, ओके, आपने 10-11 साल बाद पंजाबी एडिशनल दिया है, तो इन्होंने कहा है कि फॉर्म में कहां फिल करना है। ये देखिए फॉर्म मैंने यहां निकाल के रखा है, ये, और ये रहा फॉर्म, ये आपके लिए फिल भी करके रखा है। जैसे आपने यहां पर, इसको बड़ा कर दूं अगर होता है, ये हो गया, ये ठीक है, ये देखिए यहां है ना, सब्जेक्ट फिल करने हैं आपने, सब्जेक्ट फिल अपने कर दिए, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जो भी आपके 10th में आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स फिल करे हैं, और एक ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट नहीं पड़ती तो पंजाबी एडिशनल 2021 यहां डाल दीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपने दी थी। ठीक, इसके अलावा और कोई अलग से जगह नहीं है, इसी में आप बता देंगे, साथ में ब्रैकेट में जहां कॉमा डाल के यहां 2000 ये लिखा है मैंने, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, वापिस चलेंगे फिर। ये रहा सर, जिस टीचर ने एक साल पहले जॉब की है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अंडर, अच्छा पहले एक साल पहले गवर्नमेंट जॉब में आप कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक साल का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे कि लिखा गया है, और आपको अप्लाई कर देना चाहिए। आपने ये सोच रहे हैं कि करंट आप एम्प्लॉई हो गवर्नमेंट कॉलेज के, गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर पार्ट टाइम, तीन तरह की जो जॉब है, इन्हें एक साल पहले किया है, आपको कर देना चाहिए, आपको इसका बेनिफिट होगा। पंजाबी सिलेबस पैटर्न वो डिटेल में आना है अभी,
कोई नहीं है सर, प्लीज टेल मी हाउ टू अटैच कन्वर्जन फार्मूला हार्ड कॉपी। ये प्रॉब्लम आ रही है सबको, कोई भी देखिए एक फोटो है जो जहां आप अटैच करते हो, फोटो को अटैच करना है, लास्ट में सिग्नेचर को अपलोड करते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन दी नहीं गई, इसलिए आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल कर दीजिए। जो भी आपका CGPA है उसका कन्वर्जन फार्मूला जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो आप वहां पर वेरीफाई करवा दोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। अगर मेरे पास इसकी अब जानकारी आती है, मेरी अथॉरिटी से अभी तक बात नहीं हुई, तो मैं फिर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है सर, मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो डॉक्यूमेंट तो कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया, क्या हार्ड कॉपी जमा करवानी है? ये मैंने वीडियो पिछला शायद ये होगा वीडियो इसमें साफ लिखा है, 3 नंबर वीडियो दोबारा देख लीजिए, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, एक जो हो गया एक हाँ ये देख लीजिए, सॉरी 6 नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, इसमें बताया है मैंने, आप डिटेल में देखना है यहाँ देख सकते हो। अदरवाइज आपने कोई भी हार्ड कॉपी उनको ऑफिस में सेंड नहीं करनी, ठीक, ऑनलाइन फिल करके अपने पास प्रिंट या स्कैनिंग वट एवर इन फॉर्म फोटो खींच सकते हो, उसके प्रूफ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सभी के प्रूफ, और जो फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसके प्रिंट रख लेने हैं। अगर रिक्रूटिंग एजेंसी डिमांड करती है तब आपने वो उनको भेजने हैं, अदरवाइज नहीं। इंच अच्छा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का है इनका, सर मैं बाद में बात करता हूं आपसे। सर मेरी PhD कंप्लीट है बट नेट क्लियर नहीं है, मैं अप्लाई कर सकती हूं? ये मैंने पूरा एलिजिबिलिटी वाला ये वाला मैडम आप ये देख लीजिए, 3 नंबर वीडियो है, इसमें बताया गया है। वैसे आपका उत्तर यहां भी दे देता हूं कि आपने PhD अगर की है, PhD अगर रजिस्टर्ड है 11 जुलाई 2009 से पहले तो आप एलिजिबल हो, नेट नहीं है तो। इसके लिए UGC रेगुलेशन 2009, 2016 एंड 2018 बस फिल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़नी तो आप ये वीडियो देख लीजिए जो मैंने बताई है 6 नंबर, इसमें सारा डिटेल में बताया है कि UGC की रेगुलेशन आपके लिए क्या है नई वाली। जो कोई इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एज, अभी तक मैं, मेरी गलती है, मैं नहीं कॉन्टेक्ट, उनका फोन आया था मैं बात नहीं कर सका, तो मैं कल कोशिश करता हूँ शाम तक आपको ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा कि एज रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो गई है या नहीं। सर व्हाट अबाउट द नोटिफिकेशन प्रपोजल ओवर एज? हाँ सेम है अमृतपाल रन कब तक तो है ये सेम है। साइकोलॉजी नेक्स्ट है सर, मेरा MA का रिजल्ट अभी आया है तो उसके मार्क्स कैसे ऐड करूं? देखिए आपने मार्क्स कहाँ ऐड करने हैं, ऑलरेडी ये रहा ये ओके, MA के मार्क्स आप यहीं ऐड करोगे, ये छोटा कर लेते हैं इसको, ये आप यहाँ पर है तो आपके लिए मेरे ख्याल में ऑप्शन है, मुझे क्वेश्चन भी पूरी तरह से जहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सर आती है ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ एग्जामिनेशन MA बोर्ड ये सारा फिल कर दो, यहाँ पर आपके नए मार्क्स सब्जेक्ट सब कुछ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये आपने फिल करने हैं। ईयर आपका 2000 ये आ जाएगा, 21 है आ गया ओके। वापिस चलते हैं। सर मैं हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रही हूँ, मुझे ये जानना कि सर रिसर्च वाला टॉपिक UGC नेट वाला ही कर सकते हैं? 100% आपने UGC नेट का प्रेजेंट करिकुलम सॉरी सिलेबस ही फोकस करना है, ये आपका उत्तर है, वही रिसर्च में से क्वेश्चन आएंगे और फोकस एरिया वही होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, एक बना रहा हूं वीडियो जिसमें बताऊंगा कि आपने प्रेपरेशन कैसे जल्दी करनी है इतने कम टाइम में, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, इसी वीडियो के बाद एकदम वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो अगर वो फायदा देख सकती है आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा? मैम डिफिकल्टी लेवल जो NTA के सजेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सजेशन है, अगर वो मान ले
ये रहा डिफिकल्टी लेवल, अगर समझना है आपने, आपने शायद पढ़ा होगा ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं। लोएस्ट लेवल है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइजिंग एंड क्रिएटिंग। एक बात याद रखनी है कि ये 6 लेवल हैं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, ये वाला कलर लेते हैं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिमेंबरिंग तक ही रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चनिंग लेवल है, कुछ अच्छे क्वेश्चन नेशनल लेवल का जब टेस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे अपवर्ड जाते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर है कि डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, इसका एरो ये बनता है कि एज वी आर मूविंग अपवर्ड द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन, जो ब्लूम्स ने वर्ब दी हुई है जिसको यूज करके क्वेश्चन मेकर बनाते हैं क्वेश्चन, तो जो तो किसी भी पेपर पेंसिल टेस्ट में इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। एक ये नॉलेज वाली बात है, यहां से अगर यहां तक इतनी डिफिकल्टी तक जाना है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होती है, स्किल बेस्ड असेसमेंट होती है, तो मैक्सिमम जो यहां तक जा सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट जो वीडियो बना रहा हूं उसमें ये मैंने बताना है कि एप्लीकेशन लेवल तक आपने कैसे पहुंचना है, इतने कम समय में किस आस्पेक्ट का आपने फोकस करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए, ये नेशनल लेवल का पेपर जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है क्या एप्लीकेशन लेवल तक, लेकिन ये स्टेट लेवल का है, स्टेट लेवल का है क्वेश्चन, आपके वैसे पढ़ चुके हैं, तो डिपेंड करता है। वैसे ये यूजीसी नेट आपका क्लियर है, उसके बाद वाला है, इसका डिफिकल्टी लेवल यहां तक होना चाहिए आइडली। तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी जो क्वेश्चन बनने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम, एनर्जी, स्किल चाहिए होती है, मेजरमेंट स्किल्स होती हैं, वो मेरे ख्याल में पेपर सेटर इंडियन के पास टोटल एनालिसिस जो कह रहा है कि इंडियन पेपर सेटर का वीक ही रहा है, वेरी सॉरी। अब न्यूजीलैंड का एक पेपर उठा लो, वो 25 क्वेश्चन में, और इंडिया का यूजीसी नेट का उठा लो 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, तो वो उनके इक्वल ही नहीं बनते, वो 25 क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ पूछ लेते हैं कि कैंडिडेट अच्छा सिलेक्ट हो जाता है, हमारे 150 क्वेश्चन पूछने के बाद भी तुक्का लग जाता है। तो मेरे ख्याल में इसका लेवल अंडरस्टैंडिंग तक रहेगा, एप्लीकेशन मतलब ये, इसको अच्छी तरह से अगर समझना है आपने तो इसको बंद करके, या मैं समझाना नहीं चाहता था लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ब्रीफ में कर देता हूं। मैडम ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो जल्दी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये एवरेज लेवल है डिफिकल्टी का, और ये माइनस जिसको कहते हैं, ये ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ये वेरी डिफिकल्ट होते हैं, नॉर्मली इनको सारे पास कर लेते हैं, ये वाले, यहां ये वाला पोर्शन, और जो मेरिट बनती है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो इन इनको जो सॉल्व कर पाएगा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन को, वो मेरिट में आएगा, ये सिलेक्शन टेस्ट है, दैट इज व्हाई यहां तक आपको पहुंचना है। दूसरा, डिफिकल्टी सभी के लिए सेम होगा, आपको, आप ऐसा मत सोचे, अपने आप को डिस्करेज या इस असेसमेंट में मत लगाएं, आप बस प्रैक्टिस करें। हाँ, मैं लर्निंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, वो अगर आपके लिए बेनिफिट है तो आप देख सकते हो। वापस चलते हैं फिर यहां क्रॉस लगा के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फॉर्म फिलने के बाद फी पे कर दी है बट फाइनल फॉर्म सबमिशन का ना मैसेज आया है तो ना ही कोई मेल आई है, कैसे पता चलेगा कि फाइनल सबमिशन हो गई है? ये प्रॉब्लम है, आप डरिए मत, ईमेल एड्रेस आपको ऊपर भी दिया गया है साइट पर, जो वेबसाइट है higereducationpbrecruitment@gmail.com पर अपनी कंप्लेंट, जो अपनी प्रॉब्लम है उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद मान लीजिए आपको जस्टिस चाहिए होता है, तो रिपोर्ट अगर की है तो आपके फेवर में ही फैसला होता है, घबराने की वैसे कोई बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक आधे दिन में शायद अब तक आपको उत्तर भी मिल गया होगा। हेलो सर, आई एम नेट PhD इन हिस्ट्री बट इन BA मेरे 42% मार्क्स है, ये आपकी प्रॉब्लम अभी तक क्लियर नहीं हुई, अथॉरिटी ने कुछ नहीं बताया, वहां भी फोन जा रहे हैं। ओके, ये मैं बात पहले कर चुका हूं कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक कोई ऐसी कंडीशन वहां डायरेक्टली लिखी नहीं है, पर
इम्प्लाइड है कि आपके 45 चाहिए, मे बी शायद ता इसलिए आपका वो फॉर्म अपलोड ना हो रहा हो या फिल ना हो रहा है। एम फिल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैडम मैंने एलिजिबल के ये कहाँ है ये वीडियो, शायद एक वीडियो नंबर 3 और एक होगा ये शायद 6 वाला, इसमें बताया है मैंने कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में 3.3 और 3.4 आप रीड कर लीजिए, यहाँ होगा भी मेरे पास, फिर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा एमफिल वाले एलिजिबल हैं क्या, ये 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 रहा, एक मिनट, सॉरी आपका टाइम अधिक ले रहा हूँ, है ना, प्रोवाइडर ना ये लिखा है PhD MPhil नेट सेलेक्ट प्रोफेसर नहीं मिला, एक मिनट, वेरी सॉरी, तो उसमें लिखा ये 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 टाइम ऑफ टेकिंग है MPhil एंड और PhD शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ टीचिंग, ओके नहीं नहीं ये नहीं है, MPhil भी आपकी, यहाँ लिखा है कहीं MPhil भी आपकी जुलाई 11/2009 से पहले रजिस्टर्ड चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो, इसका आंसर है। अदरवाइज आप वीडियो 3 देख लीजिए, उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। वापस चलते हैं यहाँ पर, सर MA इकोनॉमिक्स में है, सब्जेक्ट में क्या फिल करूं, इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो, यस सर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म फिल कीजिए, ऐसा कीजिए आप जैसे ये है उठाया, आप सेम 1 के उठाइए पहले, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके 1, 2, 3, 4, 5 जितने सब्जेक्ट है इनको छोटा फिल कीजिए, ठीक है, एब्रिवेशन या शॉर्ट फॉर्म जो भी है, जैसे माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे छोटा करके, ठीक है, तो अगर आपकी स्पेस बचती है तो 4th तक जाइए, फिर सेम 2 के फिल कर दीजिए, क्योंकि सेम 3 और 4 में ऑप्शन पेपर ज्यादा होते हैं, ये जो सेम 1 और 2 में कोर पेपर ज्यादा होते हैं नॉर्मली करिकुलम में, सॉरी सिलेबस में ऐसा ही होता है, तो पहले 2 सेमेस्टर के आप जरूर फिल कर दीजिए, अगर शॉर्ट फॉर्म करके 4 के 4 के आ रहे हैं तो फिल कर दीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने पास की हुई है यूनिवर्सिटी, वो स्पेस की प्रॉब्लम है आपकी, आपसे कोई डरने की बात नहीं है, अगर कोड या छोटे करके आप पूरे फिल कर सकते हो पूरे भी फिल कर सकते हो। वापस चलते हैं, गुरप्रीत कौर ये हो गया, हाँ जी गुरप्रीत कौर, सर MA में 50% मार्क्स है, हैंडीकैप कोटा है, सर मैंने ये बताया सर एलिजिबिलिटी वाला, ये वो भी है मेरे ख्याल में, ये रहा एलिजिबिलिटी, आप 3 नंबर वीडियो एक तो देख लीजिए, दूसरा आप ये रहा आपका एलिजिबिलिटी कोटा, ये 3.4 हाँ ये देखिए, ये रिलैक्सेशन ऑफ ये आपका ही है 3.4 उसका 1 पॉइंट है, ये सारा बड़ा करके यहाँ देख लीजिए, उस वीडियो में इसका साफ बताया गया है, कहाँ चला गया ये 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 हो जा बड़ा भाई, हो गया है रिलैक्सेशन, अब दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा करके, ये आपका ही असर पॉइंट रिलैक्सेशन है आपको 5% की, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट चलते हैं इधर, नहीं सॉरी ये रहा इधर, नेक्स्ट है योर आंसर इज़ इम्पोर्टेंट, सर क्या MA एजुकेशन डिस्टेंस मोड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन के लिए फिल कर सकते हैं, MA एजुकेशन और MEd सेम होता है, एक मैंने वीडियो बनाई थी वीडियो का नाम था MEd करने के फायदे, उसमें NCTE की रेगुलेशन 2009 और उसके बाद शायद एक और वीडियो MEd पर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट वो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि MA एजुकेशन एंड MEd एक साल पहले 2 साल पहले वो डिसीजन हुआ है, किसी वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट दिया भी है, तो इक्वल माने जाते हैं, ठीक, तो आप उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप एलिजिबल हो, MA और MEd इक्वल हैं एजुकेशन की पोस्ट के लिए, MA वाले भी MA एजुकेशन वाले और MEd वाले अप्लाई कर सकते हैं, लर्न टू एक्चुअलाइज 14 टू MPhil वाले अप्लाई कर सकते हैं 11 जुलाई 2000
नौ से पहले रजिस्ट्रेशन वाले, पहले जवाब दे चुका हूँ सर, हो गया, थैंक यू। यस सर, आप शुरू करें क्लास। आपको पता चला कि अदर स्टेट के एससी लॉज कैटेगरी में फिल करेंगे, आप अदर स्टेट के हो, कोई बात नहीं है, आप अपनी कैटेगरी एससी उसके साथ जो भी आपका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो दे दीजिए, आप फिल कीजिए फॉर्म। सर प्लीज़ क्लियर, द फी इज़ नॉट पॉइंट, वहाँ एससी एसटी ऑल स्टेट लिखा है, मैं अदर स्टेट से हूँ और एससी हूँ, देन कंफ्यूज हो गई हूँ, फीस एससी की कटवाऊं के जनरल की? नहीं, एससी की, आप एससी की फीस दीजिए, नॉट वरी। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट थे, अगर कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपने तैयारी 20 दिनों में कैसे करनी है, मेरे हिसाब से जैसे मैं 20 साल साइकोलॉजी टीच की है जहाँ ऐसे गाइड किया है, वो स्ट्रेटजीज कुछ हैं, अगर आपके काम हो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।